उत्तर प्रदेश के बाबूजी यानी कल्याण सिंह नहीं रहे। लखनऊ के SGPGI में शनिवार शाम उन्होंने आखिरी सांस ली। पिछले 48 दिनों से वो अस्पताल में भर्ती थे जहां उनका डायलिसिस किया जा रहा था। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे कल्याण सिंह ने अपना पूरा जीवन भाजपा को मजबूत करने में लगाया। कई बार पार्टी से नाराजगी भी हुई, लेकिन बाद में फिर वो वापस आ गए और सांसद भी बने। अब जबकि वो इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी एक पुरानी बात हर किसी को याद आती है। तीसरी बार जब कल्याण भाजपा में लौटे तो अटल शंखनाद रैली में दिए भावुक भाषण में उन्होंने कहा था, संघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार मेरे रक्त के बूंद बूंद में समाये हुए हैं और इसलिए मैं मेरी इच्छा है कि जीवन भर भाजपा में रहूं और जीवन का जब अंत होने को हो तो मेरा शव भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे पर लिपट कर जाए। शायद इसलिए 22 अगस्त की रविवार सुबह जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने लखनऊ पहुंचे तो उनकी मौजूदगी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने उनके पार्थिव देह पर भाजपा का झंडा उड़ा दिया। कल्याण सिंह का जन्म 5 जनवरी 1932 को उत्तर प्रदेश स्थित अलीगढ़ के अतरौली तहसील के मढ़ौली गाँव में हुआ था। भाजपा के कद्दावर नेताओं में शुमार होने वाले कल्याण सिंह एक दौर में राम मंदिर आंदोलन के सबसे बड़े चेहरों में से एक थे। उनकी पहचान हिंदुत्ववादी और प्रखर वक्ता के तौर पर होती थी। सत्ता विमर्श ब्यूरो की रिपोर्ट।